गढ़वा जिले के चिनिया थाना क्षेत्र के राजबास में हुए एक 70 वर्षीय वृद्ध की हत्याकांड में गढ़वा पुलिस अधीक्षक अंजनी कुमार झा के निर्देश के आलोक में एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी रंका सुदर्शन कुमार आस्तिक के नेतृत्व में एक टीम गठित कर त्वरित कार्रवाई करते हुए दो हथियारों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। वहीं गिरफ्तार हथियारों को पुलिस ने जेल भेज दिया है। इसकी जानकारी देते हुए रंका अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सुदर्शन कुमार आस्तिक ने बताया कि 22 अगस्त को पुलिस को सूचना मिली थी कि राजबास गांव में एक पेड़ से फांसी से लटका हुआ एक व्यक्ति का शव मिला है। पुलिस जांच करने पहुंची तो पाया कि यह मामला हत्या का प्रतीत हो रहा है। इसमें चिनिया थाना में 102 भादवी के तहत कांड दर्ज कर आगे जब अनुसंधान किया गया जिसमें गांव के ही दो लोग डीकू भुइया और सत्यदेव भुइया इस घटना में शामिल है। दोनों को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने अपनी अपराध स्वीकार करते हुए जोखन भुइया की हत्या कर उसे आत्महत्या का रूप दे दिया। वहीं घटना का मुख्य कारण एक बैल की 4,000 रुपए में बेचने पर घटना को अंजाम दिया गया। वहीं रिश्ते में जोखन भुइया सौतेला पिता लगता है। वहीं चिनिया थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हत्यारे पिता पुत्र को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत गढ़वा भेज दिया है। मिला की जोखन भुइया नामक व्यक्ति ने आत्महत्या कर लिया है। जब घटना स्थल पर पुलिस गई वही पदाधिकारी सूचित करते हुए तो देखने से पता चला कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या का मामला है और जो है इस संबंध में गहराई से छानबीन किया गया तो यह बात प्रकाश में आया कि डीकू भुइया और उसका पुत्र सत्यदेव भुइया द्वारा घटना को कारित किया गया। दोनों को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है और अवतर कार्रवाई किया जा रहा है। घटना का कारण क्या था? इस घटना का मूल कारण था कि जो मृतक था वह 4,000 रुपये में बैल बेचा था और इस 4,000 रुपये के बंटवारा को लेकर के जो है डीकू भुइया और सत्यदेव भुइया द्वारा इसकी हत्या कर दी गई और इसे पेड़ से लटका कर फांसी लटकाने का रूप दे दिया गया। गढ़वा से स्वदेशवाणी के लिए अरुण कुमार की रिपोर्ट। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली देश विदेश की खबरें आपको मिलती रहे। स्वदेश वाणी।